देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 60,000 के करीब हुई। अब तक लगभग 2,000 मौतें। अपनी सेहत को लेकर वायरल अफवाहों पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, मैं पूरी तरह स्वस्थ, मुझे कोई बीमारी नहीं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी को दिल का दौरा पड़ा, हालत नाजुक होने के बाद वेंटिलेटर पर रखे गए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी प्रवासी मजदूरों से भरी वैन की ट्रक से टक्कर, 23 मजदूर जख्मी। दिल्ली से भागलपुर के लिए पैदल निकले 5 प्रवासी मजदूरों को ट्रक ड्राइवर ने कानपुर में लूटा, 5 मजदूर फंसे। घर जाने के लिए सूरत में प्रवासी मजदूर बार बार कर रहे प्रदर्शन, हाजिरा इंडस्ट्रियल इलाके में प्रदर्शन के दौरान 60 मजदूर गिरफ्तार। लॉकडाउन के बीच एमपी में झुग्गी वाले बेघर, अतिक्रमण हटाने के नाम पर रीवा में झुग्गियों पर चले बुलडोजर। और दुनिया में 40 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए, अब तक 2,76,000 से ज्यादा मौतें।